रिजवान अंसारी जिंदाबाद 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 हसन खान जिंदाबाद 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 क्रांतिकारी फजान अंसारी जिंदाबाद 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 क्रांतिकारी फजान अंसारी जिंदाबाद 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 हसन खान जिंदाबाद जिंदाबाद चलिए माइक वाले भैया थोड़ा इको को कम कर दीजिए, इको को इको हल्का कम करके बेस बढ़ाइए, आवाज को खोलिए। धन्यवाद इस पूरे मैदान में आपके सबसे पहले मंच पे विराजमान हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और इस राज्य का भविष्य, इस राज्य के आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को तय करने वाले और इस पूरे राज्य के गाथा को लिखने वाले हमारे बड़े भाई मंच पर विराजमान, जिन्होंने पूरे राज्य के नेताओं के नींद को हराम करके रखा है, बड़े भाई टाइगर जयराम। मंच पे हमारे बात हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और इस लोकसभा के भविष्य, इस हजारीबाग लोकसभा के भविष्य संजय बाबू हमारे बीच में, नारी शक्ति जो चिकी रांची से चलकर आई है, आपके महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष है जयंती मुंडा जी, रूपा जी और हमारी अपने आवाज से पूरे राज्य को जगाने वाली सावित्री करणकार जी और आप तमाम लोग जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने योगदान को देने का काम किया है और हजारीबाग से और पूरे राज्य के विभिन्न कोनों से चलकर आए हैं, मैं तमाम लोगों को अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं, तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं, खतियानी झारखंडी जोहार करता हूं। साथियों चूंकि मैं हर वक्त कहता हूं कि आखिरी वक्ता जो होता है ना उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, संजय भाई ने पूरा बेहतरीन रूप से आपके बीच में बातों को रखा और सारे वक्ताओं ने एक एक करके अपने विचारों को रखा, मुझे लगता है कि मेरे लिए डिफिकल्ट है और लगातार हम लोग दो वर्षों से आपके बीच में मुखातिब हैं, आपसे रूबरू हैं और पूरे राज्य के लोगों के बीच में अपने विचारों को रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम कोई नए सॉन्ग को बनाने के लिए नहीं आए हैं, वही लड़ाई है, इस लड़ाई को धा देने के लिए इस जगह पर आप आए हैं, आप तैयार हैं धा देने के लिए, तैयार रहिएगा। हम इस मंच से सिर्फ एक बात कहकर जाएंगे कि हमको मिला तो हमने हिंदू बना दिया, हमको मिला तो हमने हिंदू बना दिया और तुमको मिला तो तुमने मुसलमान बना दिया, अरे हमसे अच्छे तो ये परिंदे की जात है मेरे दोस्तों, जो मौका मिला तो कभी मंदिर और मस्जिद में घोसला बना दिया, मंदिर और मस्जिद में घोसला बना दिया। आज 22 वर्षों के बाद आपने अपने बेदारी का सबूत दिया है, आपने जगने का सबूत दिया है, आज हमें और आपको क्या आवश्यकता पड़ गया कि राज्य के विभाजन के बाद हम इतने बड़े माहौल को क्रिएट करें, इतने बड़े माहौल को लाने का काम करें, ये नियति का देन है मेरे भाई, इसको मानना होगा। आज आप हजारों की संख्या में इस मैदान पर अपने आप को बिल्कुल, मुझे लगता है कि किसी को पैसा देने के पर भी इतना लोग नहीं आते हैं, नेताओं के भीड़ में आते हैं क्या? नहीं आते हैं, लेकिन आपने ये संकल्प लिया है और अपने आप को संकल्पित किया है कि राज्य की गाथा को लिखेंगे और भविष्य में 2024 को ऐतिहासिक बनाएंगे और सीधे आवाज दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज आपके बीच में संजय भाई हैं, हम लोगों ने गिरडी का तैयारी कर लिया है और जयराम से पूरे सिस्टम को बनाएंगे और इस बार हमने एक नारा दिया था, वो नारा ये था कि ना रांची ना कराची, इस बार बात सीधे तो चाची से है, ना रांची ना कराची, झारखंड की गाथा को लिखेंगे, उसका नाम है सीरे तो चाची। बाहर का टाइगर बाहर आया है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि रिजवान क्रांतिकारी अलग है, जयराम भाई अलग है, लेकिन हमने इस बात को बताया कि हमारा उद्देश्य वही है, समय आने पर हम दोनों भाई एक जगह पर आएंगे, इस भाई के साथ में बड़ा भाई आ चुका है, हाथ निकले से कोई माई का लाभ नहीं होता मेरे भाई। हम लगातार बात करते हैं खनन पर, लगातार बात करते हैं खदानों पर, मैं कम समय में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे कि यह जिला हजारीबाग जिला ऐतिहासिक जिला है, सबसे पुराना जिला है, छोटा नागपुर का ये आपका जॉन भी है, आप कह सकते हैं कि मुख्यालय है छोटा नागपुर का, लेकिन आज आप मुझे बताइए कि इस क्षेत्र का विधायक, इस क्षेत्र का सांसद आपके बीच में कभी आए क्या? नहीं आए। क्यों आएंगे? उनकी मानसिकता यह है
झारखंडियों को ठगेंगे, झारखंड के लोगों के बीच में दारू मुर्गा आम करेंगे और झारखंडियों का वोट लेंगे। अभी भैवे दबाक नहीं की इस बार एकदम ना भैवेता ना है, हिंदू मुस्लिम आदिवासी मूलवासी सब इस मंच पे ही है कि नहीं गो। दमयंती मुंडा आये हथीन एक भाषण सुन के मुख्यमंत्री गड़बड़ाएगा सुन के अभी तमार के की भेजे। हम कहेंगे कि तमार ही नहीं, 81 विधानसभा पर खलबली मचाएंगे और सीधे जयराम महतो को सीधे मुख्यमंत्री बनाएंगे और राज्य के सिंहासन को हम लोग कब्जा करेंगे। यही तैयारी हमारी है, क्योंकि एक लागले मुख्यमंत्री के लागले हमार बहिन गिला हथिन मंच पे, रूपा जी हथिन हमार आर्म, सब दीदी सब हथिन, सब हिम्मत देखेलथिन और कहलथिन कि हमने चूड़ी पिन्हे ले जाना ये तो तलवार कुल्हाड़ी उठवे लेती चाहे रहे। ये है तैयारी कर हमार माता सब आए रहतीन, हमार माए बहन सब आए रहतीन, चूड़ी पिन्हा थी तो की परिवर्तन आवे है ना मालूम, लेकिन यही मात्र शक्ति जब तक हथियार उठाती है, जब तक तीर धनुष उठाती है, या तो झांसी की रानी कहलाती है या फूलों की झानू कहलाती है। ये तैयारी के साथ में आप चल जाइए। लोगों ने कहा आपको कि शिक्षा पर राज्य सरकार काम कर रही है, लेकिन शिक्षा पर काम कर रही है क्या? नहीं कर रही है, शिक्षा पर काम नहीं करता ये सरकार, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है। और ये कहता है कि हमने मुसलमानों का वोट लेने के लिए आगे आया है, हम मुसलमान हितैषी सरकार है, हम आदिवासी हितैषी सरकार है, लेकिन मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ मुस्लिम समुदाय है, आपको बताते चले कि हमारे लोगों ने अहम योगदान दिया है, तब जाकर राज्य के सिंहासन पर हेमंत सोरेन जी लागू काबिज हुए। लेकिन आप पूछिए हेमंत सोरेन जी से पूछिए कि जयराम महतो और उनकी टीम ने कैसे घोषणा किया कि राज्य के राजधानी न जाएंगे और सत्याग्रह कार्यक्रम को करेंगे और राज्य सरकार को जगाने का काम करेंगे। इन्होंने इतना पुलिस देने का काम किया कि क्रांतिकारी बहनों को, क्रांतिकारी साथियों को जहां मिले अरेस्टिंग कर ले। मैं कहना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि सर इतना व्यवस्था और इतनी सिस्टम यदि राज्य के परिवर्तन के लिए, राज्य के डेवलपमेंट के लिए, राज्य के विकास के लिए किए होते तो शायद ये क्रांतिकारियों का टोला सजकर तैयार नहीं होता है। आप बदलाव के लिए आप आगे आइए, अगर नहीं आते हैं, हमने शंखनाद कर दिया है कि हमारा अगला सीएम, अगला मुख्यमंत्री माननीय श्री टाइगर जयराम महतो होंगे और इनके नेतृत्व में झारखंड को प्रगति की लाइन पे लेकर जाएंगे, प्रगति के मार्ग पर लेकर जाएंगे और इस बार पन्ना नहीं, इस बार इतिहास लिखेंगे। यही तैयारी आपको करनी है। हमने कहा है कि हमारा अपराध क्या है, आप मुझे बताइए कि हमारा अपराध क्या है। हमारा अपराध यह है कि 22 वर्षों के बाद झारखंड के नौजवान, झारखंड की बहने, झारखंड के आवाम ने अपने अधिकार पर बात करने के लिए आगे आ गया। ये अपराध हमारा है। यदि यह अपराध है तो मैंने कहा है हर मंच से और इस हजारीबाग के ऐतिहासिक धरती पर इस बात को कहकर जाएंगे, क्योंकि हमें वक्त इसकी इजाजत नहीं देती है कि मैं तफसील से बात करूं, हमें समय इसका परमिशन नहीं देता है, क्योंकि आप जिन्हें सुनने आए हैं वो टाइगरों का टाइगर, टाइगर जगन्नाथ, टाइगर टाइगर जयराम महतो है, इनको सुनकर जाएंगे, सुनकर जाएंगे। इसलिए सुनकर जाएंगे कि जब टाइगर जयराम महतो बोलते हैं तो मुख्यमंत्री भी चुपके चुपके सुनता है, मुख्यमंत्री भी सुनता है। अरे मुख्यमंत्री तो छोड़िए, मुझे पता चला है कि दिल्ली वाले भी इनके बातों को सुनता है कि वहां पर एक आग लगी हुई है जिस आग का नाम खतियानी आग है। इस आग को सीधे दिल्ली लेकर जाएंगे, आप लोग जाएंगे कि नहीं? जोर से बोलिए, हाथ इतना हजारों की संख्या में, जाएंगे कि नहीं? इतनी जोर से बोलिए कि जयंत सिन्हा जी उठे और सीधे अपना जो मुल्क से आए थे उसी मुल्क में चले जाए। इस बार जिंदा दिल्ली का सबूत देना है आपको। हम लोग सारे खतियानधारी हिंदू मुस्लिम आदिवासी मूलवासी इस बार एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और तमाम मुसलमान के जो मुस्लिमों का जो वोट है, मैंने हर बार कहा है कि तमाम मुसलमानों को जगाने का काम रिजवान क्रांतिकारी किया है एक वर्षों में, और आपको समय आने पर इसका परिचय देंगे कि झारखंड के मुस्लिम जग चुके हैं। झारखंड के मुस्लिमों ने कहा है कि हमने देखा सबको बारी बारी, अब की बार जयराम की बारी। यही तैयारी आपको करनी है। इसलिए कम समय में सिर्फ इस बात को कहेंगे कि आप लोग तैयार रहिए और तैयारी ऐसा कीजिए जिसकी पहचान
सीधे दिल्ली तक होना चाहिए। कम समय में सिर्फ इस बात को कहेंगे कि हम लोग युवा हैं और आप भी युवा हैं, जिंदा दिल्ली का सबूत दीजिए 2024 में, जो 2024 के जनवरी माह में है, और इस बार लोकसभा में आप ऐतिहासिक मतों से अपने कैंडिडेट को चुनकर जिताएंगे। जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, जो शीर्ष नेतृत्व कहेंगे, उनको उन पर आप लब्बैक कहने का काम करेंगे, उन पर आप जय जय झारखंड कहने का काम करेंगे, और अपने कैंडिडेट को भारी मतों से विजय बनाकर सीधे दिल्ली भेजेंगे। भेजेंगे कि नहीं? क्योंकि संखनाद कर दिया है हमने, अपने चुपके चुपके ना लड़ने को, यदि लड़ाइए लड़े खाला हमनी के, तो हमने कहा लड़िए, यदि हमनी के जो मांग है खतियान 1932 के आधार पर खतियान आधारित स्थानीय नीति दे दीजिए, हम लोग अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। राज्य सरकार कबूल नहीं किया, जब राज्य सरकार ने कबूल नहीं किया तो हम लोगों ने जयराम को कबूल कर लिया है, और जयराम को इस बार मुख्यमंत्री चंद शब्दों के साथ, क्योंकि लगातार हम लोग बोलते हैं, फिर इंशाल्लाह कभी बात होगी तो संजय बाबू के आदेश पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। और इस बार तो झांकी झांसी है, आने वाले समय पे झांकी नहीं, पूरा कारवा दिखाएंगे और हजारीबाग को ब्लॉक कर देंगे, ऐतिहासिक मतों से चुनकर भेजेंगे। ग्रिड में हम लोगों ने तैयारी कर लिया है कि जयराम के नेतृत्व में पूरे ग्रिड लोकसभा को देंगे, और वहां से जो बोरो आए हैं ना, वो बोरिया भी इस तरह बांध चुके हैं, जानते हैं कि टाइगर आ चुका है, टाइगर को इन लोग तैयारी कर लिया है। और आपको वचन देकर जाते हैं, यथासंभव हम लोगों ने कहा है कि इस बार गिरिडीह लोकसभा ऐसा लोकसभा होगा जिसकी धमक पूरे हिंदुस्तान में होगी, और वो कहेंगे कि ये गिरिडीह लोकसभा कौन लोकसभा है, ये जो बच्चा आया हुआ है, ये जो युवा आया हुआ है सांसद के रूप में, ये कौन है। वहां दिल्ली में जाकर हम लोग कहेंगे कि इसी का नाम टाइगर जयराम महतो है, टाइगर जयराम महतो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बहुमूल्य समय को दिया, हम नाजीज के बातों को सुना, हमारे बकवास को सुना, आप हमें दुआ देते रहे, हमें आशीर्वाद देते रहे, हमने कहा है कि आपके एक आशीर्वाद मात्र से हमें ऊर्जा मिलती है, आप जैसे ही ऊर्जा तक का संचार करोगे, ऊर्जा देने का काम करोगे, हम लोग घर द्वार छोड़कर निकले झारखंडी जनमानस के लिए, झारखंड को बचाएंगे, खदानों को बचाएंगे, और पलायन का जो सिस्टम बनाकर रखा है यहाँ पर, हजारीबाग में पलायन की स्थिति गंभीर है, पलायन के मुद्दों पर फिर कभी बात करेंगे, इसीलिए आपको कहेंगे कि आप तैयार रहिए, और जयराम के माथे पर हम लोग ताज देंगे। देंगे कि नहीं? देंगे, तैयार रहिए, और कहिए एक बार जयराम महतो।